आज अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो इन्होंने इनका जो कार्यकाल निकला, युवाओं को इतना बेरोजगारी में निकलना पड़ा, आज बेरोजगार दर दर भटक रहा है। हमारे कई साथी इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, जिन्होंने लॉ कर रखा है, वो आज इतने बेरोजगार हो गए हैं जिनको ठेले पे काम करना पड़ रहा है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि पकौड़े तले चाय बनाकर बेचे, अगर देश चाय पकौड़े बेचने से चलता है तो हम लोग अब वही काम करेंगे। आज उनके 73वें बर्थडे पर, जो उनका जन्मदिन था, इसके ऊपर युवा कांग्रेस ने एक मैसेज देने का काम करा है कि जो बेरोजगार है उनके ऊपर नरेंद्र मोदी ध्यान दे, और हम युवाओं को जब वोट मांगने का समय आता है, जब चुनाव आता है, तब उनको हमारी याद आती है। हमारे लिए किसी भी प्रकार से कोई ऐसी योजना उन्होंने नहीं निकाली जिससे देश के युवाओं को लाभ मिल सके। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि देश के युवाओं के बारे में थोड़ा सोचें और युवा शक्ति को आगे बढ़ने का मौका दें जिससे विश्व के अंदर हम लोग देश के लिए कुछ कर सके। अभी उन्होंने जो G20 का कार्यक्रम देश के अंदर करा, इसमें हम कोई दोहराई नहीं कि देश का नाम हुआ, लेकिन युवाओं को आज किसी भी तरीके से कहीं भी एक ऐसा स्थान नहीं मिल रहा जहां पर वो देश का नाम रोशन कर सके। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, निवेदन करना चाहता हूं कि देश के युवाओं को रोजगार मिल सके, और जो हमारे माँ बाप हमें पढ़ा लिखा कर 5-5, 6-6 लाख रुपए भर के फीस भरते हैं, हमें कोर्स कराते हैं, तो वो हमारे कहीं काम आ सके, हम हमारे घर की रोजी रोटी चला सके, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। समीर भटनागर, युवा कांग्रेस महासचिव।